दें कि पुलिस टीम ने लगभग 3.5 महीने पहले हुए एक बच्चे के किडनैप के ऐसे मामले का खुलासा किया जिसमें किडनैपर खुद उसका पिता निकला, जिसने अपने लिव इन पार्टनर के साथ षड्यंत्र रचकर बेटे का किडनैप मई महीने में कराया था। आइए देखते हैं अराइव 24 न्यूज की खास रिपोर्ट। ये है पुलिस की गिरफ्त में वो आरोपी पिता और उसके लिव इन पार्टनर में रहने वाली युवती। दोनों को किडनैप के मामले में जामिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने 3.5 महीने की मेहनत और टेक्निकल सर्विसेज की मदद से इस मामले को सुलझाने में सफलता पाई। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि आरोपी पिता शाहिद बिहार का रहने वाला है और भोजपुरी फिल्मों में छोटे मोटे रोल करता है। इसने कई साल पहले एक लड़की से लव मैरिज की, लेकिन बाद में दोनों के बीच झगड़ा बढ़ा और फिर तलाक हो गया। जो बच्चा था वो माँ के पास चला गया। शाहिद ने पुलिस को बताया कि तलाक के बाद उसने अलीशा के साथ दोस्ती की और लिव इन में रहने लगा, लेकिन बेटे से मिलने का लगाव कम नहीं हुआ। शुरू में तो बेटे से मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन बाद में बच्चे से मिलने पर रोक लगा दी क्योंकि शाहिद की तलाकशुदा पत्नी ने दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद शाहिद ने अपने लिव इन पार्टनर के साथ योजना बनाई बच्चे को किडनैप करने की। मई महीने में शाहिद ने बच्चे को नानी के द्वारा मिलवाने के लिए बुलाया, उसे रिक्शा दिलाने के बहाने और उसी दौरान अलीशा झांसा देकर जूस पिलाने ले गई और फिर वापस नहीं आई, जिसके बाद शाहिद खुद थाने पहुंचा और किडनैपिंग की FIR दर्ज कराई। उसने बहाना बनाया कि लिव इन पार्टनर के साथ उसका अक्सर झगड़ा होने लगा था, इसलिए उसने बदला लेने के लिए ऐसा किया होगा। शाहिद खुद पुलिस को लेकर अलीशा के ठिकानों पर UP में कई जगह रेड करवाई, लेकिन कुछ सफलता नहीं मिली। पुलिस को जब थोड़ा शक होने लगा तो अचानक शाहिद गायब हो गया। फिर पुलिस का शक पक्का हो गया, जिसे पुलिस ने शाहिद के ठिकानों पर नजर रखना शुरू कर दिया और अंततः 3.5 महीने की मेहनत के बाद एक पुख्ता सूचना पर दिल्ली पुलिस की टीम ने मंडवाली में रेड करके शाहिद और उसके लिव इन पार्टनर को पकड़ लिया और बच्चे को बरामद कर लिया। यह है आरोपी पिता शाहिद की भोजपुरी एल्बम के विजुअल, जिसमें वो एक्टिंग करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस को ये भी पता चला कि लव मैरिज भी उस लड़की को हीरोइन बनाने के झांसे से की थी। लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक पहुंचा सके पहचान सच्चाई की। मैं दीपा, RI 24 न्यूज़।